सफ़र बहुत लाजवाब चीज़ है, चाहे वो घूमने का या ज़िंदगी का सफ़र। बहुत ही कम उम्र में ज़िंदगी के इस सफ़र में मैंने सीखा है बहुत कुछ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने दूसरों की गलती से सीखा है बहुत कुछ। हे गाइस, आई एम बैक, हर बार बोलता हूँ लेकिन ना जाने क्यों दोबारा फिर वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ, और उसके साथ साथ जैसे ही मेरे चैनल में थोड़ा सा रीच आता ही है तभी ही कोई ना कोई एग्ज़ाम मेरा शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे तय किया है, आंधी आ जाए तूफान आ जाए आई डोंट केयर। हाँ, कुछ गलतियाँ किया है अनजाने में, लेकिन बहुत कुछ सीखा भी है इस कम उम्र में। खैर, यही बोलना था मुझे। अब से व्लॉग आएगा हर हफ्ता। आज तो शायद ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब कोई देखेगा उम्मीद करता हूँ आप हमें तब सपोर्ट करेंगे। पता नहीं शायद 1 मिलियन होगा भी कि नहीं, आशा तो है 3 में भरा हो, बहुत बड़ा आशा है प्रो सब्सक्राइबर, लेकिन करेंगे, पता नहीं कितना हो पाएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस परीक्षा के समय मुझे कई शहर आना जाना पड़ा और मैं घूमा, मैंने देखा बहुत कुछ, मैंने सीखा बहुत कुछ। अब सब आएगा आपके नज़रों के सामने जो हमने देखा है अपने नज़रों से, इसीलिए हमारा साथ दीजिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर जो भी जर्नीज होंगे वहाँ पर मैं बैकग्राउंड नॉइस को पूरी तरीके से मिटाना दूँ, ताकि थोड़ा ऑथेंटिसिटी का फीलिंग आए। मैं चाहता तो था मेरे दिल के सारे बातें मैं यहीं पे बोल रहा, लेकिन इतना ज़्यादा नॉइस था हवा का भी और बैकग्राउंड में लोगों का भी, मैंने ये उचित नहीं समझा। पर ऑथेंटिक फील देने के लिए और ऐसा लगे मैं उस जगह में उपस्थित होकर अपने दिल की बातें बोल रहा, जो कि अगर मैं उपस्थित नहीं भी हूँ तो मेरे दो पलकों को बंद करने पर ही वो सारे दृश्य याद आ जाते। तो मैं वॉइस ओवर भले ही कहीं दूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इमोशन वहीं जगहों पे अभी भी मौजूद है। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ।